दूसरी जानब पीटीआई का वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। रहनुमा पीटीआई सैयद कैसर का कहना है नंबर गेम अब बदल गई, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत करेंगे। अदालती फैसले से उनके पाँव से के नीचे से जमीन निकल चुकी, हुकूमत आर्टिकल 6 समेत तमाम इख्तियारात का शौक पूरा कर ले। एक अनार्की की तरफ जा रहा है, जंगल का कानून है, आईन और कानून की कोई हैसियत नहीं रही है। इसलिए मैं इन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं कि होश के नाखून लो। शहबाज शरीफ, जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारे बलबूते पे हो रहा है, तुम सबके रिस्पांसिबिलिटी हो, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो। तुम जो ये कहते हो कि कभी इसको लेकर आके तरीके साहब को बैन करेंगे और जो आर्टिकल आपके पास जो हथियार है इस्तेमाल करो, हमने आपकी किसी हमारा हर फोर पे आपका मुकाबला करेंगे। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें जो है ना एक ऐसा तस्वर पेश किया पब्लिक में। 8 फरवरी को उसका वो सारा बयानिया खत्म हो गया और हमने खत्म कर दिया।